तपोवन 2 का बड़ा आकर्षण था कि वहाँ जाकर तपेंगे। धम्मगिरी का ही एक प्रोजेक्ट तपोवन 2 जो है वह अभी कुछ पिछले 10 सालों में कार्यरत हो गया है और उसमें सिर्फ और सिर्फ गंभीर शिविर और दीर्घ शिविर चलते हैं। कभी कभार एक सतिपट्ठान या फिर पुराने साधकों का एक शिविर लगता है और संख्या भी बड़ी मर्यादित है, यानी कि पुरुष साधकों की 70 से 75, यानी कि कम से कम मुझे लगता है 76 रूम्स हैं, लेकिन कुछ धम्म सेवकों के लिए और दूसरे कामों में भी उपयोग में लाए जाते हैं और उसके ही लगभग महिलाओं में भी रूम्स हैं। व्यक्तिगत निवास है, एकल निवास है जिसमें अटैच सब कुछ है। मैंने मेरे वीडियो में तो वह डाला ही है, उसकी चर्चा नहीं करूँगा। तो उस जगह जाकर तपने का बड़ा आकर्षण था। पहले सतिपट्ठान के लिए फरवरी में सोचा लेकिन किसी कारणवश नहीं जा सका। यह तो मार के आक्रमण होते हैं। कोई भी सत्य संकल्प, अच्छा संकल्प, पुण्य संकल्प, पुण्य पारमी आप करना चाहो तो मार थोड़ा विघ्न बाधाएं या समय आपकी परीक्षा तो लेता है। आप उस परीक्षा में पास होकर ही वहाँ पर जा सकते हो। इस बार भी फिर अब तपने को नहीं मिलता तो ठीक है, कम से कम जाके वहाँ पे सेवा देंगे। पुराने साधकों का 10 दिन का शिविर लगा, मैं बहुत भाग्यशाली समझता हूँ, उसमें सेवा में चांस मिल गया। तो कई बाधाएं पार करते हुए मैं अभी 10 जून को उस शिविर में ज्वाइन हुआ। लगा तो ऐसा था कि बहुत बारिश का मौसम है, बहुत सुंदर बारिश की रिमझिम में साधना हो जाएगी, लेकिन साधना तो सेवा भी सेवा हो जाएगी। तो पर वैसा हुआ नहीं। इस बार बारिश कुछ देर से शुरू हुई, अभी शुरू हुई है रिमझिम, यानी कि 25 जून के लगभग 25 जून को। तो जो पहाड़ी है धम्मगिरी के पीछे खड़ी हुई ऊंची पहाड़ी, जो धम्मगिरी से थोड़ी दूर लगती है लेकिन धम्म तपोवन से भी दूर लगती है, पर तपोवन 2 में लगता है कि पहाड़ी के हम बिल्कुल नज़दीक नीचे आ गए हैं और वहाँ पर तप रहे हैं। तो एक बार तो ऊपर जब धम्मगिरी में तप रहा था, जब भी पगोड़ा का काम हो गया था इसलिए वहाँ पर भी हमें शून्यागार मिल गया था तपने के लिए, लेकिन बड़ी ऊब और कुछ घुटन सी लग रही थी मुझे, मेरी शायद मेरी मन की अवस्था वैसी होगी। लेकिन जब इतना तप चुका है वो प्रदेश, वह जगह 60-60 दिन के साधकों से, तो इस बार बड़ा मन अच्छा, मन से भी हो सकता है यह बात, तपी हुई तो वह साधना की भूमि कई सदियों से होगी, लेकिन मन पर भी निर्भर करता है। इस बार जब धम्म सेवा में चले गया, पुराने साधक तो ड्रीम ऐसा ही था, बहुत से आचार्य बैठे होंगे, बहुत से शिक्षक और बहुत से पुराने 45 दिन 60 दिन के हुए साधक होंगे, लेकिन देखा तो ऐसा ही गया है कि यहाँ पर कैसा हो जाता है। यंग पीढ़ी बहुत आकर्षित हो रही है आजकल, एक एक शिविर किए हुए बहुत से साधक थे जो इंजीनियर्स वगैरह आईटी क्षेत्र के थे, तो इसमें लगभग 60-70% ऐसे ही साधक इस शिविर में भी थे। बहुत बढ़िया बात है ये। तो और जो पुराने साधक थे उसमें मैंने देखा कुछ बुजुर्ग साधक थे कि जैसे रणछोड़ लाल जी जो रतलाम से आए थे, वहाँ पर 80 से ऊपर उम्र होगी, पहले सीट पर बैठे थे, बड़े ही अच्छे तप रहे थे, बहुत ज़बरदस्त तप रहे थे। उनके बाजू में भी कुछ 45 दिन किए हुए साधक थे, यंग थे वो। तो और एक साधक जो पीछे बैठे थे, मेरी बहुत इच्छा थी कि मैं नारायण जी को बहुत बार देख चुका हूँ धम्मगिरी में, जो कि गुरुदेव के बिल्कुल पीए की तरह उनके स्वीय सचिव के रूप में उनके साथ साथ गुरुदेव की सेवा में रहते थे। और यादव जी जो है वह पूरा गुरुदेव का वाणी का या साहित्य का भाग देखते थे, और ये उनके बिल्कुल, और ये हमारे मराठवाड़ा के नांदेड़ के नारायण जी शिवन्ना दासरवार जी थे, जो मेरे कलिक के भाई ही थे। तो मेरी बड़ी इच्छा थी कि इनका इंटरव्यू लूँ, इनसे बात करूँ। तो उस दिन जाते ही मुझे ऐसा लगा, पता लगा
कि जो बुजुर्ग बैठे हैं जो वयस्क वे नारायण जी हैं और उनके धर्मपत्नी भी बैठे थे शिविर में पहली सीट पर। तो बड़ी खुशी हुई कि ऐसे पुराने साधकों की सेवा में रहने का, उनके सानिध्य में रहने के 10 दिन मिल रहे हैं। फिर दिलीप काटे सर और उनकी धर्मपत्नी मीनाताई, ये दोनों शिविर कंडक्ट करने वाले थे और साथ में जो मेरे साथ सेवा में थे वे निरंजन पेंडनेकर और एक विश्वनाथ जी थे। तो बड़ा अच्छा लगा, वाह क्या बात। वो भी पेंडनेकर जी के भी 30 दिन के शिविर हो गए थे और अच्छे 1996 से साधना कर रहे थे MSc इलेक्ट्रॉनिक्स और बहुत दुनिया घूम कर आए हुए थे। और साथ में यंग बांग्लादेश के हमारे जो दीप्तो जी थे जो दीर्घ शिविर में सेवा दे रहे थे 20 दिन का शिविर करके। तो एक टीम अच्छी बन गई थी और यहाँ से ही धम्म संकल्प किया था कि खुली आंखों से ध्यान करूँगा और सेवा करूँगा। फिर वहाँ पर मौका आया, गुरुदेव का सेवा का जो प्रवचन है वह भी सुना। तो इस बार और नए नई बातें, वही प्रवचन है लेकिन फिर नई बातें सामने आई कि देखो दान करते वक्त आपका मन इतना उदात्त तो होना चाहिए, इतना हृदय से दान होना चाहिए कि आने वाले कुछ तुलना न होकर, किसी बात की तुलना न करकर सहृदयता से ऐसा दान होना चाहिए पुलक रोमांच के साथ कि उसका फिर जो अनंत उसकी सीमा नहीं है उसकी वो दान की वो पारमी की। अब पर सेवा में जब जाते हैं तब दान जो है श्रम का दान, सेवा का दान जो हो जाता है धम्म दान में ही उसका मूल्यांकन होता है, उसे पकड़ा जाता है। तो वह दान जो है तो हर पल आप मैत्री में अनंत मैत्री अनंत करुणा साधकों के प्रति साधना के प्रति रखकर कीजिए क्योंकि आपको 10 दिन उसमें लहराने का चांस मिल रहा है। गुरुदेव की ये बात बहुत दिल को लग गई कि 10 दिन हमको किसी भी कारण से मन में तुलना करके मुझे साधना ही करनी है, होता क्या है जब साधना में जाते हैं तब लगता है सेवा में बैठेंगे साधना से उग जाते हैं और जब सेवा में जाते हैं तो लगता है कि कैसे टाइम निकाल कर साधना कर लूँ। मैंने तो ऐसे भी सेवक देखे हैं जो बोलते हैं आप साधना कीजिए हम सेवा कर लेंगे, ऐसे सेवक बहुत बार होते हैं सेवा में साथ साथ। वैसे ही निरंजन की क्वालिटी वैसी ही थी, निरंजन जो थे सारा बिल्कुल एक स्मार्ट पीए के जैसा पूरा सर को अटेंड कर ले रहे थे, दिलीप जी को पूरी उनकी जो इंस्ट्रक्शन है और बड़े गंभीरता से और बड़े अच्छे प्रकार से सेवा कर रहे थे। तो हमें थोड़ा सेवा का चांस कम ही मिल रहा था तो हमने खुली आंखों से सेवा करने का निश्चय, ज़्यादा से ज़्यादा खुली आंखों से मेडिटेशन करने का निश्चय, सेवा खुली आंखों से सेवा बोल गया, खुली आंखों से जितना मेडिटेशन करने आए। और साधकों को तो क्या, अब धम्म सेवक जिधर उधर दिख गए तो वो ऑटोमेटिक, अब पुराने साधक भी थे तो मौन हो जाते हैं। धम्म सेवक का रोल एक बार जैसे गुरुदेव सम्यक देव के विषय में कहते हैं ना, गंभीर शिविरों में जाते हुए गुरुदेव कहते हैं अब आपको आके कोई जगाएगा नहीं, आपको कहेगा नहीं घंटी बजा के चलो ध्यान साधना को, समय हो गया है प्रातः ब्रह्म मुहूर्त हो गया है उठ जाओ, ये कोई नहीं कहेगा मौन रहो। क्योंकि अब सम्यक देव जो है वो जो भिक्कू को है सिर्फ एक बार वार्निंग देते हैं, बाद में बार बार उसे वार्निंग नहीं देते। तो उस प्रकार इन गंभीर शिविरों में जब पुराने साधक होते हैं तो उन्हें उनके साधना में किसी भी प्रकार से ये नहीं करना, सिर्फ कहीं मौन भी वो रहते ही हैं तो उन्हें कोई असुविधा न हो साधना में इतना ही ख्याल रखना होता है। तो इसमें किसी भी प्रकार से दखल अंदाजी तो होती नहीं, सिर्फ डाइनिंग में देख लिए बराबर व्यवस्था है क्या, या फिर उनको कहीं कुछ व्यवधान व्यवस्था में है तो उतना ही करना होता है, बाकी तो कुछ नहीं। तो बड़ा अच्छा समय गया इसमें। फिर नारायण जी से उनके व्यक्तिगत अनुभव गुरु जी के साथ के उनके व्यक्तिगत जीवन के भी सुनने को मिले, तो इससे बड़ा एक साधना के प्रति और ज़्यादा एक डेडिकेशन हो जाता है। तो इस प्रकार हम जब सेवा में जाते हैं तो हमें कई लाभ होते हैं, जैसे बार बार गुरु जी के प्रवचन सुनते और बाकी साधकों को देखने का लाभ होता है कि उनकी साधना कैसे चल रही है। वैसे गुरुदेव कहते हैं ना कि जब सेवा में जब आप साधना में बैठते तो
थोड़ी सी आँख खोल कर देखते हैं बाकी लोग कैसे बैठे हैं, बाकी लोग तो भगवान बुद्ध के जैसे बैठे हैं जब दिखते हैं, तो वैसा तो हमने कभी देखा नहीं पा रहा जब साधना में है, शिविर में है, जब कभी किसी को देखा नहीं। लेकिन इस बार पीछे बैठा था तो सभी साधकों को किस प्रकार वे बैठते हैं, किस प्रकार उनका बिहेवियर होता है, ये सब देखने को मिला। और ज़्यादातर देखने को मिला कि डेली साधक यानी कि 24-25 साल से लगा के 50-55-60 साल तक भी बहुत गंभीरता से बैठते थे। गंभीरता से कैसे, 8 बजे आए तो 11 बजे तक 11 का टोल नहीं गिरता, टोल गिरने के बाद भी बाद ही वे उठते थे, बहुत बड़ी बात है। और शाम को भी 5 के बाद ही, नहीं तो क्या होता है, मैं भी साधना में 10:45 बजे के बाद भाई चलो अब 10-15 मिनट का ले लेता हूँ, या फिर 1 बजे के बाद थोड़ा लेट आ जाता हूँ, या फिर 4:45 बजे नींबू पानी के लिए जब जाते हैं जब चले जाता हूँ। तो इस बार मैंने देखा मेरी साधकों का डेडिकेशन बहुत ही सुप्रीम लगा मुझे। जेंट्स का कम था ऐसा नहीं कहता हूँ मैं, लेकिन कंपेरेटिवली जो है हर एज की जो है बहनें, धम्मो बहनें बड़े लगाव से बड़े इसके साथ बैठती थी, बिल्कुल अधिष्ठान न बदलने के मुद्रा में बैठ जाती थी और बिल्कुल 5 के टोल नहीं गिरते, जब तक घंट नहीं बजता 11 बजे का भोजन का तब तक वो बिल्कुल समाधिस्थ वहाँ पर बैठ जाते थे। बहुत से लोग उसमें भी जाते थे, पगोड़ा में भी बैठते थे इस प्रकार। लेकिन सेवा में क्या है कि आपको खुली बात आचार्य के साथ, वैसे शिविर में भी करनी चाहिए, लेकिन शिविर में तो क्या है, बस गुरुदेव के निर्देश पालन करते हुए चलना चाहिए, बात किसी भी कारण से नहीं बढ़ानी चाहिए। इस बार कुछ ऐसा मौका आ गया कि टीचर के साथ बैठकर सभी जो हम धम्म सेवक थे उनमें एक प्रश्न कर दिया दीप्तों ने कि भाई अब मैं जब 5वीं 6ता दिन होगा कि जब दुखद संवेदना देखता हूँ तो उदय में कैसे देखूँ, दुखद संवेदनाओं का मैं उदय में कैसे देख सकता हूँ। तो इस पर चर्चा चली, जब आचार्य जी का कहना था कि भाई आप जो है अनित्य बोध को महसूस करना चाहिए, वही वहाँ पूछ रहा था कि अनित्य बोध कैसे महसूस करूँ, संपजन्य कैसे महसूस करूँ, तो दूसरे भी कुछ अपना अनुभव बता रहे थे। आचार्य जी का कहना है अदुख असुख संवेदना आए जब उदय में कैसा देखे, जब मैं समता में हूँ कैसा कहे। तो यह बात कैसी है, जब चर्चा में भी चली तो ऐसा आया कि जब एक आपको कहीं दुखद संवेदना है तो जानो कि दुखद संवेदना है, जब उदय हुए तो कैसे महसूस होगा, तो सिर्फ जानना काफ़ी है, यहाँ संवेदना है जो दुखद संवेदना है, ठीक है जाने आगे बढ़ गए, दुखद संवेदना भी जानो नहीं, बस यहाँ संवेदना है स्थूल है आगे बढ़ जाओ, फिर आओ उस जगह पर रुको, रुक कर उसे जानो, कहीं गर्माहट है, दुखद संवेदना है तो क्या है, गर्म होता होगा, या कोई मुक्का मार दिया है, या कहीं दर्द हो रहा है, तो वो दर्द का एरिया कितना है, परिधि कितनी है उस दर्द की, उस दर्द का केंद्र बिंदु कहाँ है, बहुत ही असह्य दर्द कहाँ पर है, और वह दर्द फैलते हुए क्षीण होते हुए फैलता हुआ कहाँ खत्म हो जाता है, इस परिधि को जानो, 2 मिनट वहाँ रुको। जैसे ब्लैंक स्पॉट है या मूर्छित स्पॉट है, अर्धमूर्छित स्पॉट है, क्लाउडी मिस्टी स्पॉट है, धुंधला स्पॉट है, फीबल संवेदना है, उसे जरा देखो, गुरुदेव कहते हैं वहाँ 2 मिनट रुको, धीरे धीरे वह पिघल जाएगी और पिघलेगी तब सूक्ष्म संवेदनाओं में बदलेगी, तब आपको उदय वे का वहाँ पर अनुभव होगा। अगर नहीं तो आप समता में है, समता प्रमुख है, समता हमारे साधना का एक तो उपेक्षा यानी कि समता और सती, सती में क्या है, सती में हम जान गए उसको ऐसा है, और अब समता में कैसा है, उदय वे नहीं भी देखे, अनित्य बोध नहीं भी, तो मन समता में है कि हम उसके प्रति द्वेष नहीं जगा रहे और लालायित नहीं हो रहे, व्याकुल नहीं हो रहे कि मुझे सुखद संवेदना मिले। इस प्रकार हमारा प्रवास उस दिन अलग अलग व्यूज सामने आए, प्रत्येक के व्यूज है, निरंजन ने कुछ व्यूज रखे, 30 दिन का शिविर किया है, विश्वनाथ जी भी पार्टिसिपेट कर रहे थे और जो आचार्य जी दिलीप जी वे भी कह रहे थे, और मैं यह कह रहा था कि समता और उपेक्षा
उपेक्षा, यह बिंदु प्राप्त करने के लिए अनित्य बोध है, उदय व्यय को अनुभव कर रहे हैं उससे समता में आने के लिए। उदय व्यय है तो उदय हो रहा है, उसका व्यय हो रहा है, तो उसमें क्या हम द्वेष करें, क्या राग करें, तो समता में आ जाओ। तो इस प्रकार उदय व्यय का उपयोग करके हमें समता में स्थापित होना है, उपेक्षा में स्थापित होना है, सती संपजन्य उपेक्षा और समता के लिए। इस प्रकार हमारी वहाँ पर बात चली। तो एक बात है कि जब भी हम ऐसा जाना चाहिए सेवा में, ताकि क्या हो, चर्चा भी हो जाए, साधना भी होती रहे। अब कैसा है, एक 10 दिवसीय शिविर करने के बाद दूसरा करने के लिए तो 4 महीने से 6 महीने का गैप देना पड़ता है ना, तो बीच में एक सेवा में चले जाए, गंभीर सती पठान की सेवा में चले जाए, या फिर बिजनेस एग्जीक्यूटिव की सेवा में चले जाए, या फिर अपने सामान्य 10 दिवसीय शिविर में चले, जो भी अवेलेबल है, जो भी अपने को रुचि अनुसार जाना चाहिए। और फिर रात को प्रवचन तो कभी, मगर धारा में प्रवचन की एक बात याद रखना चाहिए, हिंदी प्रवचन अटेंड कर रहे हैं तो हिंदी प्रवचन अटेंड करते जाना चाहिए। कभी अगर आवश्यकता है सेवा में तो हम कंपल्शन नहीं कर सकते, लेकिन आवश्यकता है तो फिर हम इंग्लिश प्रवचन में भी जाके मदद कर सकते हैं, लेकिन इंग्लिश में है तो इस बार मैंने सारे इंग्लिश के प्रवचन सुने, क्योंकि मुझे वो गुरुदेव के अनुभव सुनना था कि एक साइंटिस्ट आया और उसे जो है वो न्यूक्लियर हेड की जो बैलिस्टिक मिसाइल है उस पर उसका जो हेड लगाने वाले साइंटिस्ट वह दादा गुरु के पास आते हैं, और उनके पास आकर वे डायरेक्ट 1 महीने का उनको शिविर मिलता है और वो पक कर जाते हैं, और उनके अनुभव, उनकी विकार किस प्रकार बाहर निकलते हैं, उछल उछल कर में जो कैसे आनापान में ही कैसे उछलने लग जाते, इसके अनुभव मुझे गुरुदेव के मुख से वापस सुनना था, इसलिए मैं इंग्लिश प्रवचन में मैंने पहले ही कह दिया कि मुझे इंग्लिश प्रवचन के इसमें सेवा देने के लिए जाने देना चाहिए, तो मिल गया चांस। तो इस प्रकार एक जापान का भी साधक आया था, वो हम शायद 4-6 महीने से इंडिया में हैं, पिछला भी उसने शिविर किया था एक सती पठान का, और इसमें भी बड़े उसको भी भारत के अनुभव के विषय में वो बड़ी बड़ा आत्मीयता से कहता है, और विपश्यना का जो अनुभव है उसके विषय में भी वो बड़ा उत्साहित होकर बात करता है। तो इस प्रकार, और उसमें और एक बात आई, दीप्तों ने एक प्रश्न उठाया कि उसने दादा गुरु का सयाजी बाकिन के एक प्रवचन पढ़ा जिसमें वे उपचार समाधि और अर्पणा समाधि के विषय में बात करते हैं। तो निरंजन जी ने शेयर किया कि 10 दिवसीय जब वे आनापान कर रहे थे, 1 महीने के शिविर में 1/3 आनापान होता है ना 10 दिवस, तो जब 15 मिनट की उन्हें उपचार समाधि लग गई थी। हाँ, मेरा कहना यही था कि जब भी हम साधना करते हैं ना, अब हम सब पुराने साधक हैं, तो जब भी साधना करते हैं एक एक सेकंड के लिए क्यों न हो उपचार समाधि, यानी कि निर्विकल्प निर्विचार समाधि, संकल्प विकल्प रहित अवस्थाएं एक एक सेकंड के लिए आती रहती है। जैसे भंग अवस्था भी कहते हैं गुरुदेव, कि सूक्ष्म संवेदनाओं की जो एकदम ज़्यादा तरलता जो है, ज़्यादा बिल्कुल घनत्व लिए सूक्ष्म, घनत्व लिए सूक्ष्म संवेदना, यानी कि बहुत बहुत रैपिडिटी से, बहुत ही पिघली हुई सूक्ष्म संवेदना जो आती है, घनत्व लिए नहीं कि स्थूलता की नहीं, घनत्व सूक्ष्मता का घनत्व, सूक्ष्मतर सूक्ष्मतम जब चालू हो जाती है ना एक छोटे से भाग में भी, तो उस भाग में तो आप धारा प्रवाह है समझिए। जैसे शरीर में अनेक जगहों पे सूक्ष्म संवेदना है, तो हम क्या करते हैं ऊपर से नीचे तक हम एक प्रवाह में चले जाते हैं, और फिर जो है सो विभिन्न जो स्थूल अंग है जो है स्थूल संवेदना है, फिर और एक बार जाते हुए हम उन्हें देखते हैं, तो कम से कम एक छोटे हिस्से में तो धारा प्रवाह होती ही है, या भंग अवस्था होती है जब एक सूक्ष्म जो जगह पक जाती है, जब जो नासिका के नीचे ऊपर वाले होंठ के ऊपर की जगह पक गई है, छोटी जगह है, तो वहाँ भी आप देखिए जब गंभीरता से आप उसे बीनने लग जाते हो, विघटन विश्लेषण छेदन भेदन उसका करने लग जाते हो, वहाँ भी एक अलग प्रकार की भंग अवस्था ही है, लिमिटेड छोटे छोटे जगह की है वो, थोड़े पीरियड की भी हो सकती है, लेकिन आती है। लेकिन ये सूक्ष्म सूक्ष्म बातें बढ़कर फिर घंटों में परिवर्तित होती है। मेरा बोलने का मतलब ये था कि जो उपचार समाधि हो या
संकल्प विकल्प रहित अवस्था की समाधि हो, वह कब आती है? इस प्रकार हमारा जो है सो प्रवास उसमें चलता रहता है, लेकिन हमारा मन इतना सूक्ष्म और तीक्ष्ण होना चाहिए कि वह उस बात को पकड़ सके। हर साधना में भी हमने देखना चाहिए, अरे यह अवस्था एक सेकंड के लिए मेरे विचार, दो सेकंड के लिए, मिनट भर के लिए मेरे मन में संकल्प नहीं, विकल्प नहीं, विचार नहीं, कुछ नहीं, यह मेरा शुक्ल ध्यान, यह मेरा संकल्प विकल्प रहित उपचार, हाँ ये उपचार समाधि चल रही थी, यह अब स्कैनिंग करते हुए शरीर का निरीक्षण करते हुए, अरे यह जगह आई, यह जगह आई, एकदम तरल संवेदना है, एकदम सूक्ष्म संवेदना है, यह जगह आई, यहाँ पर फिबल संवेदना है, हम मूल्यांकन नहीं कर रहे लेकिन वह जान रहे हैं, तो यही परिवर्तित होके क्या करते हैं, एक एक सेकंड बदलते हुए गुरुदेव क्या कहते हैं, एक एक अंग होते हुए सारा अंग खुलने लग जाएगा, भंग अवस्था प्राप्त होने लग जाएगी, सारा समय आप निर्विकल्प समाधि में लहराने लगोगे, मैत्री में भी, मैत्री की जब मैत्री दे रहे हो तब सारे शरीर में मैत्री की तरंगे तरंगे ही तरंगे उठने लगेगी, जो भी ऊर्जा हमने ध्यान द्वारा प्राप्त की है, जो भी हमने ध्यान द्वारा पुण्य अर्जित किया है, उसका भी तरल संवेदनाओं के रूप में शरीर के बाह्य प्रसारण होने लग जाएगा, ये होने लगता है, लेकिन यह अवस्थाएँ एकदम एक एक घंटे की, तीन तीन घंटे की नहीं अवतरित होती, निर्माण की रूप की भी आते 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 एक 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 सेकंड से एक एक सेकंड से जमा होते होते यह समय दीर्घ समय में परिवर्तित होता है। आप सभी का धन्यवाद।